पूरे विश्व में आज का दिवस दिव्यांगजन अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिन हम सभी को दिव्यांगजनों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का और भी अधिक सशक्त रूप से अनुपालन करने के लिए प्रेरित करता है। यह मेरे मंत्रालय के लिए भी एक सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हम आज के दिन दिव्यांगजनों के साथ साथ उनके सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे व्यक्तियों संस्थानों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। वर्ष 2020 में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए कुल 1095 आवेदन प्राप्त हुए थे। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के कारण वर्ष 2020 में राष्ट्रीय चयन समिति की बैठक स्थगित कर दी गई थी। स्क्रीनिंग समिति के द्वारा चुने हुए आवेदनों पर राष्ट्रीय चयन समिति के द्वारा विचार किया गया और 59 पुरस्कार विजेताओं का चयन किया गया। दिव्यांगजन मूल्यवान मानव संसाधन है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रीय विकास कार्यसूची में दिव्यांगजनों के मुद्दे को प्राथमिकता देते हैं। उनका आदर्श वाक्य है, समावेशी विकास, सबका विकास और सबका विश्वास। सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 अधिनियमित किया है, जो 19/4/2017 से प्रभावी हुआ है। इस अधिनियम के तहत दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरियों में कम से कम 4% आरक्षण का प्रावधान है। जनवरी 2021 में मंत्रालय ने दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त 3,566 पदों को चिन्हित किया है। इस सूची को राज्य सरकारों के साथ भी साझा किया गया है। सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को सार्वभौमिक सुगम्यता प्रदान करने के लिए 3/12/2015 को सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ किया गया, ताकि वे सम्मान के साथ सार्थक जीवन जी सकें। इस अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक भवनों, परिवहन व्यवस्था तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को सम्मिलित किया गया। जनसाधारण के सामने आने वाली सुगम्यता से संबंधित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विभाग ने एक मोबाइल ऐप विकसित किया है, ताकि उन समस्याओं का त्वरित और व्यवस्थित तरीके से यथासंभव समाधान किया जा सके। भारत में सांकेतिक भाषा तैयार करने और श्रवण बाधित व्यक्तियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की है। यह संस्थान अन्य कार्यों के साथ साथ निरंतर रूप से सांकेतिक भाषा शब्दकोश तैयार कर रहा है, जिसमें अब तक 10,000 से अधिक शब्द शामिल हो गए हैं। सरकार दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने के उद्देश्य विशिष्टता दिव्यांगता पहचान पत्र परियोजना को कार्यान्वित कर रही है। अब तक सभी राज्यों संघराज्य क्षेत्रों के 713 जिलों में 64 लाख से अधिक UDID कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। हमने आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान UDID कार्ड जारी रखने की दिशा में पूर्णता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने ग्वालियर मध्य प्रदेश में दिव्यांगता खेल केंद्र का निर्माण कर रही है, जिसका कार्य 2022 के मध्य तक पूरा हो जाएगा। पूर्वी क्षेत्र में मेघालय राज्य के शिलांग में एक दिव्यांगता खेल केंद्र स्थापित करने का मामला विभाग के विचाराधीन है। सरकार मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए सीहोर मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की स्थापना कर रही है, जो अभी तक अस्थायी परिसर में कार्य कर रहा है। संस्थान हेतु भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है और 2022 के मध्य तक इसके पूरा होने का लक्ष्य है। कोविड-19 के दौरान मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेतु किरण हेल्पलाइन सितंबर 2020 से शुरू की गई है, जिसके तहत हम 13 भाषा में 668 पेशेवरों की मदद से परामर्श सेवा प्रदान कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में 18 अप्रैल 2019 को दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा और कौशल प्रदर्शित करने के लिए हमें राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में दिव्य कला शक्ति दिव्यांगता में साक्षात प्रतिभा का दर्शन नामक सांस्कृतिक समारोह को आयोजित करने का गौरव प्राप्त हुआ। 23 जुलाई को संसद पुस्तकालय परिसर के बालयोगी सभागार में माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और लोकसभा अध्यक्ष जी की उपस्थिति में ऐसे ही एक और कार्यक्रम को आयोजित करने का भी सम्मान प्राप्त हुआ, जिसमें दिव्यांग बच्चों ने अपनी कलात्मक प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन किया। विभाग दिव्यांग बच्चों के शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए कक्षा 9 से लेकर स्नातकोत्तर डिग्री PhD तक के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है। अब तक सरकार ने 1,58,938 दिव्यांग छात्रों को 472.75 करोड़ रुपए की राशि की छात्रवृत्ति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त सरकार विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए भी पूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान करती है। मंत्रालय की एडिप योजना के अंतर्गत विगत 7 वर्षों में 11,024 शिविर आयोजित किए गए, जिसमें 20.97 लाख दिव्यांगजन लाभान्वित हुए,
जिन पर 1286.13 करोड़ रुपए खर्च किए गए और इस दौरान 3838 सबल बाधित बच्चों में कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी की गई। दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण और समावेशीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें केंद्र तथा राज्य सरकारें, गैर सरकारी संगठनों और दिव्यांगजनों की भागीदारी अनिवार्य है। सरकार के निरंतर प्रयास के साथ साथ हम सभी स्टेक होल्डरों की सहायता से भी इस दिशा में सामने आने वाली समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। मैं दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे सभी व्यक्तियों, संगठनों के सहयोग की कामना करता हूं। इस कार्यक्रम में मैंने देखा कि स्वाति नाम की बेटी यहां पर बैठी हुई है। जब राष्ट्रगान का हम सब लोग खड़े होकर राष्ट्रगान कर रहे थे, उस समय मैंने देखा कि वो बेटी वहां पर अपने स्थान पर खड़े होकर पूरा सांकेतिक भाषा में राष्ट्रगान वहां पर से कर रही थी। दो बच्चे वहां पर भी कर रहे थे। हाल में मैंने देखा तीन हमारे दिव्यांग बच्चे राष्ट्रगान को वो बोल नहीं पा सकते थे, लेकिन अपनी सांकेतिक भाषा के माध्यम से राष्ट्रगान के प्रति जो शब्दों में और उन्होंने यहाँ पर हम सबके साथ सामूहिक वाचन किया, उसके लिए मैं ऐसे सभी हम अपने भाइयों का हृदय की गहराइयों से उनका सम्मान करते हैं। मैं पूरा सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूँ, उनके साथ आए हुए उनके परिवारजनों और यहाँ पर इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे मीडियाकर्मी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो मीडियाकर्मी आए हैं और जो गणमान्य नागरिक आए हैं, मैं उन सभी नागरिकों का भी हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब हमारी विनम्र अनुनय है माननीय राष्ट्रपति जी आपसे फिर से कि कृपया दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करें।